असलकम आज नए लेक्चर के साथ जिसमें मैं आपको करवाऊँगी एम सी क्यूज़ डाइजस्टिव सिस्टम के बाकी पार्टस और डाइजस्टिव uh, सिस्टम के रिमेनिंग पार्टस सिक्सटीन टू फोटी एम सी क्यूज तक था और मैं आज आपको करवाऊँगी तो इसमें सिक्सटीन एम सी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ज्वाइंट द फेरिंग्स टू स्टमक कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक को जॉइन uh, करता है फेयरिंग्स के थ्रू और मतलब फेरिंग्स और स्टमक के दरम्यान में कौन सा स्ट्रक्चर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो इसमें आ जाता है एजो फिगर्स जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं ये फेयरिंग्स और स्टमक के दरमियान पाया जाता है जो कि से स्टार्ट होगा और स्टमक पे जाके एंड हो जाएगा इस वजह से कहा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर है ज्वाइंट्स करता है फेयरिंग्स को स्टमक के साथ शेप ऑफ द स्टमक स्टमक की शेप कैसी होती है स्टमक की शेप जो है वो जे शेप का होता है तो इसमें बी ऑप्शन इस ठीक ऑप्शन है दी लेंथ ऑफ स्टमक स्टमक की लेंथ जो है वो कितनी होती है स्टमक की लेंथ जो है टेन इंचज़ होती है यहाँ पर डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं एलेवन इंचेज़ है टेन सेंटीमीटर है नाइन सेंटीमीटर है डिफरेंट यूनिट्स के साथ दिए हुए हैं लेकिन जो एग्जैक्ट लेंथ होती है स्टमक की टेन इंचज होती है दी मिकोजा ऑफ स्टमक इज़ थ्रोन इंटू मैनी फोल्ड्स कॉल्ड एज मिकोजा जो है आ, उसके जो इंटरनल uh, स्ट्रक्चर है स्टमक uh, का uh, वो फोल्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये फोल्ड जो हैं यही हेल्प करते हैं जब स्टमक में फूड नहीं होती स्टमक एम्प्टी होता है तो स्टमक जो है वो सुगड़ जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और जब फूड आती है तो स्टमक जो है वो एक्सटेंड या एक्सपेंड कर जाता है तो वो कौन से इसमें ऐसे फोल्ड्स हैं ऐसे फाइबर्स हैं जिनकी वजह से स्टमक के अंदर ये चेंजेस आते हैं तो उन नाम जो है उन फोल्ड्स का या फाइबर्स का नाम क्या है रुगी डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है द ग्लैंड ओपन इन टू स्टमक कैविटी बोया अब जो स्टमक के ग्लैंड हैं वो स्टमक के मिकोजा से जो सिक्रीशंस देते हैं वो उनमें उनका नाम उन्होंने कहा है कि वो किस के थ्रू मतलब स्टमक जो है स्टमक की जो बिकोजल लेयर है उसकी जो बाहर की कवरिंग है जिसे हम कहते हैं एपीथीलियल कवरिंग है उसके अंदर ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है कौन सी जगह से ग्लैंड अपनी स्क्रीशंस दे रहे होते हैं तो एपीथीलिया में डिप्रेशन होते हैं मतलब हल्की हल्की धंसी हुई जगह होती हैं जहाँ से स्टमक जो है अपने ग्लैंड के थ्रू एस्क्रीशन देता है उसका नाम क्या होता है डी ऑप्शन आता है इसमें गैस्ट्रिक पेट्स कहा जाता है एम सीक्यूज नंबर ट्वेंटी के स्टमक कैविटी से जो ग्लैंड एक्सक्रिप्शन देते हैं जो स्टमक कैविटी में आते हैं एक्सक्रिशंस के थ्रू वो स्टमक की कैविटीज में किस तरह से किस स्ट्रक्चर के थ्रू आते हैं वो गैस्ट्रिक पिड्स के थ्रू आते हैं मतलब गैस्ट्रिक मिकोजा में डिप्रेशन होते हैं हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिड्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो थ्री टाइप्स के दिए हुए हैं ए ऑप्शन इसमें राइट right ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का ग्लैंड लोकेटेड इन कार्डिय रीजन ऑफ स्टमक कॉल्ड एज अब हमने पढ़ाया है कि स्टमक जो है उसके टू पार्ट्स होते हैं कार्डियक रीजन होता है और पायलोरिक रीजन होता है अगर तो स्टमक ग्लैंड जो है वो कार्डिय रीजन में पाए जाते हैं तो हम उनको क्या नाम देंगे कार्डियक ग्लैंड का नाम देंगे इस वजह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का राइट right ऑप्शन क्या है कार्डियक ग्लैंड सी ऑप्शन ग्लैंड सिचुएटेड इन बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक आर अब जो ग्लैंड स्टमक की बॉडी और स्टमक के फंडस में होंगे वो कौन से ग्लैंड होंगे उन्हें कहा जाता है ऑग्जेंडी ग्लैंड का नाम दिया जाता है यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है ऑग्जेंडी ग्लैंड का नाम दिया जाता है उसके बाद इसमें आता है वट टाइप ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स आर प्रजेंट इन स्टमक स्टमक के अंदर जो नर्व्स आती हैं मतलब हमारा जो ब्रेन है मैसेज देता है या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है और उसके अंदर जो नर्व्स हैं वो कौन सी टाइप्स की होती हैं फाइबर्स नर्व फाइबर्स कहा जाता है जिन्हें उसमें कौन सी टाइप्स की आती हैं उसमें टू टाइप्स होती हैं यहाँ पे आती हैं एक में आ, आपका ऑप्शन ए जो है और ब्लैक् और उसके बाद ये ऑप्शन जो है मीजनर प्लेक्सिस ये दो प्लेक्सिस होती हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं स्टमक में पाई जाती हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा ए एंड सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा ये जो है ये नर्व फाइबर्स को ही यहाँ पे प्लेक्सिस कहा गया है कि ये मीजनर का नाम दिया गया और बैग्स का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च या हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लक्सेज जो होती हैं अब हमने पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में बात की है कि मिजनर और और बैक्स प्लक्सिस होती हैं अब हम ये भी देखेंगे कि दोनों जो हैं वो एक ही जगह पर होती हैं या डिफरेंट एरियाज में होती हैं स्टमक की क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि स्टमक की जो लेयर होगी या जी की जो लेयर है वो कितनी फर्दर पार्ट्स या फर्दर सब लेयर्स की बनी हुई होती है तो फोर लेयर्स की बनी होती है तो हमने ये भी देखना है कि कौन सी लेयर के अंदर नर्वस सिस्टम की कौन सी नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं तो मिजनर प्लक्सेज आर प्रेजेंट बिटवीन द मस्कुलर एंड सब मिकोजल लेयर मिजनर प्लक्सेज जो है इसे मिकोजल प्लक्सेज भी कहा जाता है क्योंकि ये इसमें सब मिकोजल प्लक्सेज कहा जाता है क्योंकि ये सब मिकोजा के रीजन में पाई जाती है और उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी लेयर्स के दरमियान में होती है बिटवीन द मस्कुलर एंड इसमें हम सब मिकोजल भी कर सकते हैं और इसमें हम मिकोजल लेयर भी कह सकते हैं तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट इसमें आता है नर्व फाइबर्स टू एजोफिग स्टमक स्मॉल इंटस्टीन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटस्टीन पास थ्रू अब वो कह रहे हैं कि नर्व फाइबर्स जो होते हैं मतलब जो जैसे हमने लास्ट में किया है मीजर प्लसज या और बेक्स प्लस होती हैं तो वो किस नर्व के थ्रू बनती हैं कौन सी नर्व जो है वो जी आई टी की तरफ पास करती है ब्रेन से तो ब्रेन से एक नर्व आती है एक लार्जर नर्व होती है जो कि डिफरेंट एरियाज की तरफ पास होती है उसमें से उसका एक बार जो है वो जी आई टी की तरफ पास होता है उस नर्व को नाम दिया गया है वेगस नर्व का ये इंपॉर्टेंट है एम सी यूज़ में कि जी आई टी की तरफ जो नर्व आती है ब्रेन से जो कि क्रेनियल नर्व होती है ये कौन सी होगी इसमें से तो वेगस नर्व आती है ऊपर वाली वेस्टिव्यूलो नर्व कान की नर्व होती है ऑप्टिक आँख की नर्व होती है फेशियल फेस की नर्व होती है जबकि डी जो है ये वेगस नर्व है जो कि जी की तरफ आती है तो ट्वेंटी सेवन का राइट ऑप्शन क्या है वेगस नर्व द पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज मच थिकर एंड आल्सो सर्कुलर इज कंट्रोल द आउट फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में कह रहे हैं कि स्टमक से आउट फ्लो होना है फ़ूड कंटेंट्स का और हमें पता है कि स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है जीआईटी का वो स्मॉल इंटस्टीन होती है स्मॉल इंटस्टीन का भी फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है ड्यूरिनम तो वो कह रहे हैं कि जब स्टमक से फूड कंटेंट्स ने बाहर जाना है ड्यूरिनम में तो उससे पहले फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही होती है गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर तो उस टाइम जो है उसके फ्लो को फूड कॉन्टेंट्स के फ़्लो को कौन सा जो है ओपनिंग या कौन सा जो है इसमें वॉल्व जो है उसे कंट्रोल करता है तो इसमें क्या जाता है कि पाइलोरिक स्विंगटर मतलब तो पाइलोरिक वॉल्व है तो क्योंकि स्टमक का जो लास्ट पोर्शन होता है उसे पाइलोरिस कहते हैं और पाइलोरिस के बाद नेक्स्ट स्मॉल इंटरसिन स्टार्ट होती है जो और उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है ड्यूडिनम इस वजह से कहा गया है के स्टमक में से फूड कॉन्टैंट्स के आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए ड्यूडिनम और पायलोरिस के दरम्या में वॉल्व होता है जिसे हम पाइलोरिक वॉल्व का नाम देते हैं या पाइलोरिक स्विंटर कहते हैं दी पार्ट ऑफ जी आई टी दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पायलोरिस ऑफ स्टमक टू द सिगल जंक्शन कॉल्ड अब ये जैसे पहले बताया हुआ है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बताया हुआ है कि स्टमक के, के बाद तो कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है जी आई टी का और कहाँ पर जाके एंड होता है तो इसमें आता है स्मॉल इंटस्टीन स्ट्रमक के बाद आती है स्मॉल इंटस्टीन स्मॉल इंटस्टीन जो है वो स्ट्रमक से स्टार्ट होती है और एलियोसिकल जंक्शन पे जाके एंड हो जाती है अब ईलियोसिकल जंक्शन का मतलब ये है कि स्मॉल इंटस्टीन का लास्ट पार्ट कहलाता है ईलियम और सिकम जो होता है वो लार्ज इंटस्टीन का फर्स्ट पार्ट होता है इस वजह से कहा गया है कि ईलियम पर जाके अगर खत्म होती है स्मॉल इंटस्टीन तो हम यहाँ पे बताएंगे एलियोसिकल जंक्शन के बारे में लॉन्गेस्ट इसमें आ जाएगा आपका ट्वेंटी नंबर का है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है दी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल एज एलिमेंट्री केनाल का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है तो डी ऑप्शन है इसमें स्मॉल इंटसिन एलिमेंट्री केनाल का सबसे बड़ा पार्ट है जो कि सिक्स मीटर होता है दिनम इज ड्यूडिनम जो होती है ये कौन सी शेप की होती है इससे फीचर्स पूछे हुए हैं ये सी शेप की होती है और इसकी जो लेंथ होती है ये टेन इंचज होती है लेंथ में दिजिनम एंड एलियम मेजर्स अबाउट इसमें आ जाता है यहाँ से इसका कट हो गया है आप अपनी जटि की बुक से इसमें कर सकते हैं कि इसमें आता है कि ये कितनी इसमें आती है ट्वेंटी फीट होती है और सिक्स मीटर जो है इसकी लेंथ होती है डिडम की और जिजन की कोल अगर लेंथ देखी जाए तो कितनी होती है इसमें ट्वेंटी फीट या फिर मीटर तक होती है या आप अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा विच वन इज द फॉलोविंग थीन सीरियस मेम्ब्रेन दैट डेट द वॉल एबडोमिनल so, एंड सी कवरिंग जाता है एबडोमल मतलब कैटी जो, जो कि एबडोमल कैटी की दीवार के साथ साथ पाई जाती है एंड पैलविकविटी और पेल्विकविटी के साथ साथ पाई जाती है मतलब यह प्रीजन आपका पैलविक रीजन होता है उसके साथ साथ इसकी लाइनिंग होती है एंड क्लॉथ विजरा और विजरा का मतलब है जीआईटी ऑर्गन्स को कवर करती है क्लॉथ का मतलब यहाँ पे आएगा कवर करना और विजरा मतलब ऑर्गन्स होंगे कौन से जीआईटी के ऑर्गन्स को ऐसी कैविटी जो कि एबडामिनल ऐसी लाइनिंग ऐसी कवरिंग जो कि एबडामिनल कैविटी के साथ साथ पाई जाती है और जी के ऑर्गन्स को कवर करती है तो वो कौन सी लेयर होती है ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है सब्जेक्टिव में पेरीटोनीयम होती है तो सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा पेरीटोनीयम दी लार्ज इंटस्टीन एक्सटेंड फ्राम लार्ज इंटस्टिन कहाँ से स्टार्ट होती है तो लार्ज इंटस्टीन जो है और इसमें आप ये भी कर सकते हैं दार्ज इंटस्टिन एक्सटेंड फ्राम एंड एंड टू के लार्ज इंटस्टिन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाके एंड हो जाती है तो ये जो है यहाँ पर आएगा एलियम से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके या रेक्टम पे जाके एंड होती है तो आप इसमें जो राइट ऑप्शन करेंगे ये ए ऑप्शन ही होगा इसमें यहाँ से आप इसे लार्ज इंटस्टीन आप बताएंगे ये सी ऑप्शन जो आएगा एलियम से रेक्टम तक जो है ये जाके एंड होती है या यह आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं एलियम टू एनल के नाल या एनस तो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा दी सीकम एंड अपेंडिक्स एंड सीगमोइड क्लॉन आर अ पार्ट ऑफ सीकम अपेंडिक्स सिगमोइड क्लोन ये किसके पार्ट्स होते हैं ये लार्ज इंटस्टीन के पार्ट्स हैं जैसे कि आपको पढ़ाया भी हुआ था सब्जेक्ट में सीकम अपेंडिक्स म क्लोन्स ये सब किसके पार्ट हैं ये लार्ज इंटेस्टीन के पार्ट हैं रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू होरिजेंटल फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट प्रोजेक्ट्स अराउंड द ऑर्फिस ऑफ द इलियम इज कॉल्ड रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का मतलब इब्तदाई स्ट्रक्चर जो होगा और उसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे होरिजेंटल स्ट्रक्चर में होंगे और कितने होंगे उसमें कितने फोल्ड्स होंगे टू उसमें फोल्ड्स होंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के दैट प्रोजेक्ट द अराउंड जो कि कहाँ पर पाए जाएंगे या कहाँ पर स्टार्ट होंगे ऑर्फिस ऑफ द एलियम इज़ कॉल्ड ऑर्फिस का मतलब होता है सुराख और कहाँ पर ऐलियम के अंदर तो हम उस नाम उसको क्या नाम देंगे उसे इलियोसिकल वॉल्व का नाम देंगे सिंपल वर्ड्स में कहा गया है कि इलियम के अंदर जो स्प्रिंकलर पाया जाता है या इलियम के अंदर इलियम का जो ऑफिस होता है वो दो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स का बना हुआ होता है शेप में हॉरिजॉन्टल होंगे लोकेटेड मतलब इनकी लोकेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी तो उस वॉल्व का नाम क्या होगा उसका नाम है इलियोसिकल वॉल्व इसका जाता है थर्टी सेवन में आ जाता है अरो मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फाइट ईशूज एंड इट्स बेस अटैच द पोस्टीरियो मीडियल स्ट्रक्चर ऑफ द सिकम इज़ कॉल्ड उसमें कह रहे हैं नैरो मस्कुलर ट्यूब का मतलब है एक तंग सी छोटी सी ट्यूब होगी जो कि जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं लिम्फाइट इशूज़ पाए जाते हैं और इसकी बेस जो होती है वो पोस्टीरियो मीडियल का मतलब होता है कि बैक साइड पे होना और मीडियल लाइन के पास होना कहाँ पे सीकम के अंदर मतलब सीकम से अटैच होती है और सीकम की बैक साइड पे होती है और सीकम के मीडियल होती है मतलब सीकम के दरमियान में होती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है उस, उस ट्यूब का नाम है अपेंडिक्स डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है थर्टी सेवन का लेंथ ऑफ लार्ज इंटस्टीन इज जो लार्ज इंटरस्टीन की लेंथ होती है वो कितनी होती है वन पॉइंट फाइव मीटर तक होती है बाकी भी दिए हुए इंचज दिए हुए हैं वन पॉइंट सिक्स इंच है इस पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है इसमें राइट ऑप्शन जो है ई ऑप्शन है इसमें टू पॉइंट फाइव मीटर तक जो है जो जुनम की लेंथ होती है दिकोस मेमब्रेन ऑफ स्मॉल इंटरसिन माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक कॉल्ड अब जो म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है स्मॉल इंटस्टीन की लाइक हम कह सकते हैं म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है जो मीकोजल सरफेस होती है इंटस्टीन की उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जैसे ब्रश पॉर्डर्स भी कहा जाता है जिनको उनका नाम क्या होता है उन्हें हम कहते हैं इंटेस्टिनल विलाई का नाम देते हैं ये इंटेस्टिनल विलाई जो है ये डाइजेशन में एब्जॉशन में सिक्रूशन में जो है वो रोल प्ले करते हैं इसमें इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी में डिफेंस में भी रोल प्ले करते हैं तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे इंटेस्टिनल विलाई कर नाम देंगे ये भी इंपॉर्टेंट है तो इस तरह से आपके जी आई टी के जो है, वो कंप्लीट हो गए हैं फिर भी अगर आपको इसमें से ना समझ आए तो आप इसमें जो है अपने कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन आपने बता सकते हैं इसमें जो भी कन्फ्यूजन हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इसी तरह से मैं कुछ और एम सी यूज लेकर नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से आऊँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू